तुमने भाई जी को नहीं हवा को गिरफ्तार किया है। अब किसकी हवा टाइट होती है आप देखते हैं आगे साला क्या क्या होता है। तेरा भाई तेरे को बहुत प्यार करता है ना करता है ना, वो तेरे को छुड़ाने के वास्ते यहाँ आएगा, लेकिन तू बचेगी नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि ये तेरी गोरी गोरी चमड़ी हम कुंजम कुंजम निकालेगा। ए लुक्का सामने देख, तेरा बाप तांडिया आया है। तांडिया गब्बर मोगैम्बो शाकाल जैसे बड़े बड़े विलेंस और बॉलीवुड के खूंखार खलनायकों की जब बात होती है तो जहन में प्रलयनाथ गुंडा स्वामी का नाम भी जरूर आता है। फिल्म तिरंगा के गेंडा स्वामी को कोई कैसे भूल सकता है। खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप, तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। अपने इसी किरदार की बदौलत गुंडा स्वामी इतने फेमस हो गए कि लोग भूल गए कि उनका असल नाम गुंडा स्वामी या गेंडा स्वामी नहीं है बल्कि दीपक शिर्के है। दीपक शिर्के ने तिरंगा फिल्म में ऐसा शानदार काम किया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फिल्म में राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे बड़े एक्टर्स के सामने उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा खूब मनवाया। फिल्म में दीपक शिर्के के काम को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि बॉलीवुड को गुंडा स्वामी के रूप में एक नया खलनायक भी मिल गया और इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। उस दौर में शायद ही ऐसा कोई बड़ा एक्टर हो जिसके साथ दीपक शिर्के ने काम नहीं किया। दीपक को वो कामयाबी और वो नाम मिला जो वो डिजर्व करते थे, पर ऐसा क्या हुआ कि इतना कामयाब एक्टर अचानक कहीं गुम हो गया। बताएंगे आपको कि दीपक शिर्के बड़े पर्दे पर अब क्यों दिखाई नहीं देते, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दीपक शिर्के का फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ था, क्योंकि इसके पीछे की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। क्योंकि असल में वो पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते थे पर बन गए एक्टर। दीपक शिर्के का जन्म मुंबई के मरीन लाइंस इलाके में हुआ था। पांच भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे। शुरुआती पढ़ाई एल्फिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल से हुई। उनके स्कूल के पास रंग भवन नाम का एक थिएटर था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दीपक इसी थिएटर के आसपास घुमा करते थे और रिहर्सल करते हुए लोगों को देखा भी करते थे। यहीं से दीपक ने मन में एक्टिंग करने की ठानी, लेकिन दीपक पुलिस वालों को देखते तो उन्हें उनकी वर्दी भी बड़ी अच्छी लगती थी, इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि या तो पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा या फिर एक्टर। और इसी सपने को आंखों में पाले हुए उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रख दिया। 1976 में दीपक शिर्के ने अपने करियर का पहला नाटक किया। मराठी भाषा के इस नाटक का नाम था राजमुकुट। वैसे तो दीपक का इसमें एक छोटा सा रोल था, मगर वो खुश थे कि कम से कम इस दुनिया में उनकी शुरुआत तो हुई। इसके बाद दीपक एक्टिंग में रमने लगे। वो खाली थिएटर में जाते और स्टेज पर अकेले परफॉर्म करते और धीरे धीरे उन्हें थिएटर में छोटे बड़े रोल्स मिलने शुरू हो गए। दीपक ने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कई सारे नाटक किए। इन्हीं नाटकों की बदौलत उन्हें एक मराठी फिल्म धड़ाकेबाज में कास्ट किया गया। इस फिल्म के फौरन बाद उन्होंने 1986 में मराठी शो 100 में काम किया। रीजनल शो होने के बावजूद इस सीरियल की व्यूअरशिप तगड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि इसमें दीपक को एक पुलिस वाले का रोल करने का मौका भी मिला। रियल लाइफ में भी उनका सपना इंस्पेक्टर बनने का था और रियल लाइफ में उनका यह सपना पूरा हुआ और इस शो ने उन्हें एक साथ दो दो मौके दे दिए। दीपक के करियर की पहली हिंदी फिल्म थी आक्रोश, जो 1980 में रिलीज हुई थी। इसमें भी उनका छोटा सा रोल था, मगर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। दीपक शिर्के को उनके करियर की बड़ी फिल्म कैसे मिली, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल एक बार दीपक मुंबई के वीर सावरकर रोड पर 100 सीरियल की शूटिंग कर रहे थे। उन्हीं दिनों मुकुल आनंद अग्निपथ फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। अग्निपथ फिल्म के प्रोड्यूसर यश जौहर वीर सावरकर मार्ग से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर दीपक शिर्के पर पड़ी और उन्होंने दीपक को बताया कि उनके पास दीपक के लिए एक रोल है, अगर वो इसे करना चाहते हैं तो मुकुल आनंद से जाकर मिल लें।
शूटिंग के बाद दीपक ने मुगल आनंद से मुलाकात की और उन्हें अग्निपथ फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। पर दीपक ने ये बात किसी को नहीं बताई कि उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका रोल एडिटिंग में कट गया तो बाद में उनकी बहुत बेइज्जती होगी। वो बात अलग है कि जब अग्निपथ रिलीज हुई तो फिल्म में अन्ना शेट्टी बने दीपक के काम को काफी सराहा गया। अमिताभ बच्चन के साथ दीपक ने कई बार स्क्रीन शेयर की है। अग्निपथ के अलावा वो खुदा गवाह, एतबार, हम और सरकार जैसी कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। दीपक को कई फिल्मों में पुलिस का रोल करने का मौका भी मिला तो वो क्राइम शो CID में ACP दिग्विजय की भूमिका में भी नजर आ चुके हैं। पर असली पहचान तो उन्हें विलेंस के रोल नहीं दिलाई। छोटे बड़े जो भी रोल्स मिले उनको दीपक शिर्के ने पूरी शिद्दत से निभाया। हालांकि धीरे धीरे वो बदलते जमाने की ऑडियंस के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए और धीरे धीरे लोग उन्हें भूलने लगे। भले ही दीपक आजकल बड़ी फिल्मों में काम नहीं कर रहे लेकिन उन्होंने कुछ वेब सीरीज में काम किया है। इसके अलावा मराठी फिल्म बोला अलख निरंजन में भी काम किया। आखिरी बार 2021 में रिलीज हुई फिल्म ब्लैक मार्केट में भी वो नजर आए थे।